Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 28, part 1, Women's Movement in India, of Society in India. Topics to be covered are Women's Movement, a variant of Social Movement, Reform Movements and Women's Issues in 19th and Early 20th Centuries, Women's Participation in Freedom Movement, Institutional Initiatives and Women's Issue in Post-Independence Period, Resurgence of Women's Movement in 1970s. So, first of all, Women Movement की बात करते हैं. So, as we know, Women को एक अच्छा basically सोशल एनवायरनमेंट नहीं मिलता था. उनको पढ़ने का हक नहीं था, उनको पर्दाज में रखा जाता था, उनको सिर्फ डोमेस्टिक जॉब्स के लिए ही रखा जाता था. सो उसके लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए. सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर दैट मूवमेंट्स. हम उन्हीं मूवमेंट्स को पढ़ने वाले हैं. सो द स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट इज नॉट एन एरिया ऑफ हिस्टोरियन अलोन. सोशलिस्ट स्टडिंग सोशल स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड चेंज would logically be interested in social movement. It is a process through which a collective attempt is made at mobilization for change or resistance. So, as we know कि वुमेन की स्थिति में चेंज आना बहुत जरूरी था, तो उसके लिए बहुत सारे सोशल मूवमेंट चलाए गए. सो बेसिकली जो सोसाइटी में चेंज लाने के लिए काफ़ी सारे मूवमेंट चलाए जाते हैं. सो इन द कॉन्टेक्स ऑफ चेंज इट डिफर फ्रॉम evolutionary process of social mobility and change in the sense that movement are based on the perception of injustice and option of certain session within the society. देखो वो change लाना जरूरी था. उन perception of injustice, जहाँ पे injustice हो रहा था उसको change करना जरूरी था, तो movement चलाए जाते हैं. So Indian society differs based upon caste, class, religious ethnicity distinguish the life and problem of women in different parts of country. And overwhelming majority of 80% people in India live in rural area. The process of development and change associates as various session of women differently. So the position of women in India was varied in different periods and in different classes, religion and ethnic groups. During the British rule, the spread of English education and Western liberal identity ideology become Indian and spread the Christianity. देखिए हर एक टाइम पे एक मूवमेंट आता है, हर मूवमेंट में कुछ ना कुछ चेंज आता है. सो वुमेन की पोजीशन को में चेंज लाने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट चलाए गए. सो इन द अर्लियर फेज ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी द initiative came largely from male reforms like Raja Ram Mohan Rai. The issue was taken up by them were sati. सबसे पहला जो issue था वो राजा राम मोहन राय लेके आए. उन्होंने जो सती प्रथा थी उसको बंद करने के लिए issues लाए. विडो को रीमैरिज का ऑप्शन होना चाहिए. इल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज, जो विडो से दुर्व्यवहार किया जाता था उनको रोकने के लिए. पोलीगेनी, एक से ज़्यादा वुमेन रखने के लिए. चाइल्ड मैरिज, डेंटल ऑफ प्रॉपर्टी राइट पे भी वुमेन का हक होना चाहिए. तो उनके लिए राजा राम मोहन राय ने पहला मूवमेंट चलाया. सो द सोशल रिफॉर्म्स अजम्पशन वर डैट फीमेल एजुकेशन वुड रिविटलाइज द फैमिली सिस्टम विच वॉज threatened by increasing communication gap between the educated men and their uneducated wives. So सबसे पहला जो था वो वुमेन की एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक वुमेन जो अनएजुकेटेड होती है और एक हस्बैंड जो एजुकेटेड होता है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको भी ओवरकम करना चाहिए. सो लीडर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑल्सो रियलाइज डैट रिलीजियस रिफॉर्म कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम इट. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट नेवर डेवलप एज unified movement but developed within each community. The most important of these organization were Brahmo Samaj,
प्रार्थना समाज, आर्य समाज। सो जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट कम्युनिटीज थी तो उनमें एक ब्रह्म समाज था, प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, आर्य समाज की स्थापना की गई, सो दैट जो वुमेन है उनके साथ भी इनजस्टिस ना हो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रह्म समाज। सो इट वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जो ब्रह्म समाज था उसको राजा राम मोहन राय ने बनाया, 1825 के अंदर बनाया। उसमें इसने इंक्लूड किया कि चाइल्ड मैरिज को बंद किया जाए, पोलोगेनी लिमिट, जो वुमेन को प्रॉपर्टी में राइट मिलना चाहिए, विडोज के साथ जो बिहेवियर होता है वो नहीं होना चाहिए, और जो सती प्रथा है उसको बंद करना चाहिए। सो द वुमेन मैगजीन कोल्ड बामा बोधिनी पत्रिका वो स्टार्टेड। सो उन्होंने बामा बोधिनी पत्रिका स्टार्ट की, जिसमें एन इंटरकास्ट मैरिज वॉज ऑल्सो सोलिमलाइज्ड अंडर द एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रह्मो समाज। ऑपोजिशन ऑफ सच मूवमेंट फ्रॉम हिंदू ऑथोलॉजी रिजल्ट इन पासिंग ऑफ सिविल मैरिज एक्ट 1872। दिस एक्ट वॉज परमिटेड इंटरकास्ट मैरिज एंड डाइवोर्स। सो उनके जो चलाए हुए नियम थे उनको आगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हिंदू की जो मान्यता है उनमें दी मान्यता दी गई। सो अब जो एक वुमेन है वो इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकती है, और डाइवोर्स में फिक्स 14 एंड 18 ऑफ मिनिमम एज मैरिज। 14 से 18 ईयर्स आ गई एक वुमेन की एज, और एक मैन की एज में भी चेंज किया गया। इट वॉज फाउंडेड इन 1867, हैड मोर और लेस सिमिलर ऑब्जेक्शन एज ब्रह्मो समाज। इन 1869 द बॉम्बे विडो रिफॉर्म एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड विच अरेंज द फर्स्ट विडो रिमैरिज इन 1869। सो 1869 में बॉम्बे में विडो रिफॉर्म नाम की एक एसोसिएशन बनाई गई, जिसमें पहली विडो रिमैरिज हुई इन 1869 में। सो नाउ द आर्य समाज। सो आर्य समाज थे जो स्वामी दयानंद सरस्वती लेके आए थे इन 1875 के अंदर, पेंटिंग ए ग्लोरियस पोजिशन ऑफ वुमेन इन एसेंट इंडिया। इट एडवोकेटिंग रिफॉर्म द कास्ट सिस्टम, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर मैन एंड वुमेन, प्रोहिबिटेड ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय लॉ एंड रीमैरिज ऑफ चाइल्ड विडोज। सो उन्होंने भी उन्हीं सभी जो कुप्रथा चलती आ रही थी लाइक चाइल्ड मैरिज और एजुकेशन होनी चाहिए बोथ मैन और वुमेन के लिए, प्रोहिबिट किया रीमैरिज चाइल्ड मैरिज को, और रीअरेंज ऑफ चाइल्ड विडोज मैरिज, और चाइल्ड जो बचपन में ही बाल विवाह से विडो हो जाते हैं उनकी रीमैरिज को फोर्स किया। उन सब पे इन्होंने आंदोलन चलाए। एम्फेसाइजेस ऑफ पर्दा सिस्टम एंड सोप स्प्लेड ऑफ एजुकेशन अमंग द वुमेन, डिक्लेयर द डेवलपमेंट और प्रोस्पेक्टिव मूवमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ मुस्लिम वुमेन। पर्दा प्रथा को उन्होंने बंद करवाने की कोशिश की, और जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी होना चाहिए वुमेन में। सो इन 1961 बेलगम ऑफ भोपाल फॉर्म्ड एन एली इंडिया मुस्लिम वुमेन कॉन्फ्रेंस। द ट्रेडिशनलिस्ट डिसअप्रूव सच एक्टिविटीज एंड वर Enraged by resolution passed by the Muslim Women Conference in 1917 that polygamy should be abolished. So women के साथ जो प्रथा थी उनको बंद करने का, और जो बहुत सारे women रखने का जो मुस्लिम मैन को हक होता था उसके खिलाफ भी आंदोलन चलाए गए। During the freedom movement, the struggle for women right and equality was seen at an integral part of struggle for national independence. In 1885, the Indian National Conference was founded. 1885 में Indian National Conference की स्थापना की गई। 1889 में Bombay session 10 women participated. पहला session था उसका जिसमें 10 women ने participate किया था। So with the spread of women education among middle class by the last part of 19th century, several women become active in social and political life of India. आज की डेट में भी women जो है political life में भी participate कर सकती हैं। महात्मा गांधी played an important significant role in involving large number of women in nationalist movement. He said, "I am uncomposing in the matter of women's right
He stressed that participation of women in freedom struggle was an integral part of women dharma duty. So उन्होंने भी जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी कहा वुमेन की पार्टिसिपेशन इवन नेशनल मूवमेंट के अंदर भी बहुत जरूरी है. सो वो एक बहुत बड़ा अच्छा सा पार्टिसिपेशन प्ले करने वाली हैं. सो जवाहरलाल नेहरू वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर एंड वॉज एक्सपोज टू लिबरल व्यूज ऑन वुमेन क्वेश्चन इन वेस्ट. He believed that without economical freedom, another aspect of woman equality could not be realized. So, उन्होंने अपने views दिए. उन्होंने कहा without जो economical freedom नहीं होगी तो woman में equality नहीं आ सकती. So, he disagreed with the limited view that woman education alone can bring about the desired change and he wanted woman trained in human activities. सो उन्होंने कहा एजुकेशन के साथ साथ भी ह्यूमन वुमेन को जो जनरल प्रैक्टिसेस होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए. सो द इमर्जेंस ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन वाज क्लोजली लिंक्ड विद बोथ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट. ड्यूरिंग द अर्लियर 20th सेंचुरी सेवरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंड. The Women's Indian Association WIA was formed in 1970 by Margaret Cousins and Indian nationalist. So for the first time in 1917 the demand of women's right to vote was raised. So सबसे पहले 1917 के अंदर वुमेन को जो वोट देने का हक है उसको रेज किया गया. और डिप्यूटेशन ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग सरोजनी नायडू एंड मार्गरेट कजन्स मेट द विक्टोरी टू पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ फीमेल फैंसीज. इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्टेड द आइडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन 1919 अलाउ द प्रोविजनल लेजिस्टर टू डिसाइड द इशूज. मद्रास वॉज द फर्स्ट प्रोवाइज टू अलाउ वुमेन टू वोट. सो 1917 में सबसे पहले डिमांड की गई वुमेन को वोट डालने का हक है जिसमें सरोजनी नायडू एंड मार्गरेट कजन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया. सो 1919 में उसको परमिट भी कर दिया गया और मद्रास में पहली बार एक वुमेन ने वोट डाला. सो ग्रेजुअल चेंज इन लुकिंग एट वुमेन्स इशू फॉर सोशल एंड एजुकेशनल टू पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव. नाउ वुमेन की जो कंडीशन थी उसमें चेंजेस आने लगे. एक वुमेन को पढ़ने का हक था और पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव से भी पार्टिसिपेट कर सकते थे. सो वुमेन पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम मूवमेंट इन वेरियस वे. जो वुमेन था उसने पार्टिसिपेट किया फ्रीडम के मूवमेंट में भी. सो दे पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट. उन्होंने जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनमें पार्टिसिपेट किया. Picketed shops selling foreign goods and organized Prabhat Feri. So उन्होंने जो जितने भी protest हो रहे थे उनमें participate किया. जो foreign goods वाली जो shop थी उनको भी बंद करवाया और organized Prabhat Feri का organization भी किया. So today we will wind up our session here. Next we will discuss in second part of this particular session. Till then, happy learning, free learning.